हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति पर नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जा रहा है। इसके संबंध में शासनादेश 28 जून 2024 को ही जारी किए जा चुके हैं। साथ ही 11 जुलाई 2024 को वह प्रपत्र जारी कर दिया गया जिस पर आपको विकल्प भरकर अपने विभाग में जमा करना है। तो चलिए हम उस प्रपत्र को फॉर्मेट को समझ लेते हैं और उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी ये भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो हमने ये शासनादेश ओपन कर लिया है। प्रेषक नील रतन कुमार। ये सब हम लोगों के लिए मुख्य चीज नहीं है। दिनांक 11 जुलाई 2024। तो 28 जून 2024 के शासनादेश में बात की गई थी कि 28 मार्च 2005 के पूर्व हो जिनका जिनके विज्ञापन की अधिसूचना जारी हो चुकी थी उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। और इसके संबंध में एक फॉर्मेट दिया जाना था जिसमें सभी कार्मिक अपना अपनी जानकारी भरकर अपने सक्षम अधिकारी के पास जमा करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है विकल्प पत्र। ये यहाँ पर नाम लिखना है, वर्तमान पदनाम, प्रमोशन हो गया हो तो उसके बाद का पदनाम लिखना है, वेतनमान, वर्तमान विभाग का नाम और राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम। ये हो सकता है उनके लिए थोड़ा मायने रखता हो जिनके विभाग आपस में मर्ज हो गए हों, बाद में दो विभाग एक ही विभाग हो गए हों, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वैरी कर सकती हैं। विज्ञप्ति की तिथि, विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि और योगदान की तिथि, थोड़ा इसको ध्यान देना है। तीनों लाइनों को विज्ञप्ति किस तारीख की जारी हुई तो ये आपको विज्ञापन में जाके देखना पड़ेगा। आपकी नियुक्ति, नियुक्ति तिथि कब मिलती है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है या अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, वहाँ पर जो तिथि लिखी हो और आपने अपने कार्यालय में जब योगदान दिया हो, ज्वाइनिंग डेट, ये आपको यहाँ मेंशन करनी है। जन्मतिथि हो गई और रिटायरमेंट डेट हो गई, तो ये 10 पॉइंट ही हैं, थोड़ा ध्यान देकर भरिएगा क्योंकि आपको नीचे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी देना है, अपना नाम लिखना है, पुत्र पुत्री या पत्नी जो भी है संदर्भ में भर देना है यहाँ पर, और यहाँ हस्ताक्षर नाम और परनाम करना है। फिर दो बार एक यही घोषणा दोबारा करनी है कि मैंने सारी जानकारियाँ सही दी हैं। विकल्प यहाँ पर जब टिक करिएगा तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन ध्यान दे दीजिएगा कि आप तो नई में हैं ही, तो आपको पुरानी में जाना है तो टिक यहीं पर कीजिएगा और नवीन को कट कर दीजिएगा, यहाँ क्रॉस कर लीजिएगा। बाकी यहाँ नाम पदनाम यही चीज़ें भरनी हैं। अब बाकी काम क्या है, विभाग का काम है, तो आप यहाँ पर मैं तो कहूँगा अपना नाम यहाँ भर दीजिएगा, अपना पदनाम भर दीजिएगा, विभाग अपना साइन वाला काम कर लेगा। तो ये रहा फॉर्मेट, टिपिकल नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको कुछ मुश्किल आए और आप अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर आसानी से इसे भर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक आपको ये आवेदन अपने संबंधित विभाग में जमा करना है। बाकी जो भी काम होने हैं वो शासनादेश में स्पष्ट किए गए थे, तो विभाग के काम हैं वो अब उनके स्तर पर होते रहेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो इससे संबंधित हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर गवर्नमेंट एम्प्लाई के हित में जो भी चीज़ें हो सकती हैं उससे संबंधित वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।